हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो Xiaomi इस टाइम अपने एंट्री लेवल और बजट रेंज के स्मार्टफोनों पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। Redmi ने अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Redmi 9 को लॉन्च किया, बट कंपनी Redmi 9 के बाद अपने एक नए स्मार्टफोन को 2 सितंबर को लॉन्च करने वाली, जिसे कंपनी 9A के नाम से बहुत जल्द लॉन्च कर देगी। अगर आप लोग भी जानना चाहते Redmi के 9A के क्या है स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, क्या इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए आप लोगों को वेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, सब लोग कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। Redmi के 9A के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इसी स्मार्टफोन में भी आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 क्यू का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 2 GHz का MediaTek का हेलियो G25 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि MediaTek की तरफ से एक बजट रेंज का नया प्रोसेसर है। आप लोगों को बता दें, जो MediaTek का हेलियो G25 का प्रोसेसर है, ये हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो कि गेमिंग के मामले में आप लोगों को इस प्राइस रेंज में काफी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। Redmi के 9A के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं इसी स्मार्टफोन का एक और वेरिएंट भी लॉन्च होगा, जो कि 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज साथ आता है। वहीं इसी स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो Redmi के 9A में आप लोगों को 6.53 इंच की एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लोगों को 269 का PPI देखने को मिल जाता है। वहीं यह स्मार्टफोन एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके साथ साथ कैमरे की अगर बात करी जाए तो Redmi के 9A में आप लोगों को बैक में सिंगल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 13 MP का देखने को मिलता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ 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 सेल्फी के लिए आप लोगों को इसी स्मार्टफोन में 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि ये स्मार्टफोन अंडर 7000 से कम प्राइस में लॉन्च होगा। इसीलिए इस स्मार्टफोन में आप लोगों को सिंगल गियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बैटरी की अगर बात करी जाए तो Redmi के 9A में आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो मतलब इस स्मार्टफोन में आप लोगों को, अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई सस्ता स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को बता दें ये MediaTek की तरफ से हेलियो G25 का पहला स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गेमिंग के मामले में। Redmi 9A के अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो कंपनी इस स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट को लॉन्च करेगी। जो बेस वेरिएंट इस स्मार्टफोन का होने वाला है वो 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। वही इस वेरिएंट की जो कीमत होने वाली है वो 6390 रुपए होने वाले। वही जो दूसरा वेरिएंट आता है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज साथ, कंपनी ने इस वेरिएंट का भी कोई खुलासा नहीं किया कि कंपनी इस स्मार्टफोन के 3GB रैम वाले वेरिएंट को किस प्राइस रेंज पे लॉन्च करेगी। अगर आप लोग का बजट काफी ज्यादा कम है और आप लोग भी गेमिंग के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें Redmi के 9A में आप लोगों को बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 7000 रुपए से कम के प्राइस में। तो आप लोगों को इस स्मार्टफोन का वेट जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों का Redmi 9A का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के वीडियो ही लाते रहते हैं।